हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है मैग्नीज का। देखिए, धात्विक खनिज जिसमें भी लोहा खनिज के रूप में ये मैग्नीज है, मतलब इसमें लोहे की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे अपन प्रमुख खनिज, और प्रमुख खनिज के अंदर ये टॉपिक जो है वो है धात्विक से संबंधित। ये धात्विक खनिज है, कौन सा? मैग्नीज। और ये कौन सी श्रेणी में आता है? लोह खनिज की श्रेणी में आता है। इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। किसमें? तो टॉपिक है आज हमारा मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मैग्नीज जो है ये धात्विक खनिज है, मतलब इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसको लोहा खनिज की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए, मैग्नीज का उपयोग होता कहां पर है, तो आपको मैं बता दूं कि लोहा अयस्क जो होता है उसको गलाने में, जिसे हम कहते हैं प्रगलन, जो ताप भट्टी होती है उसमें लोहा अयस्क को डाला जाता है और उसके अंदर, उसको प्रगलन के अंदर मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। तो मैग्नीज एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? सुनिए, लोहा अयस्क के प्रगलन में मैग्नीज को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, मतलब लोहा अयस्क के प्रगलन में, उसे गलाने में आप कच्चे माल के रूप में किसको उपयोग करते हैं? मैग्नीज का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग लोह मिश्रातु विनिर्माण में किया जाता है, मतलब लोहे के अंदर एक मिश्रित, मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिलाना। ठीक है, उसके द्वारा और विनिर्माण जितने भी होते हैं, लोहे की कई चीजें बनती है, ठीक है, उसके विनिर्माण के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। लिख देता हूं इसके अंदर, इसका उपयोग लोहा मिश्रातु, ठीक है, मिश्रातु का मतलब ये मिश्रण के लिए, आगे बात समझ में, मिश्रण के लिए इसके अंतर्गत उपयोग में लिया जाता है। और हम कह सकते हैं इसके अलावा विनिर्माण, विनिर्माण में उपयोग में लेते हैं। तो आपको यह तो पता चल गया कि मैग्नीज का उपयोग कहां पर होता है। एक, आपके लोहा अयस्क के प्रगलन के अंदर मैग्नीज को कच्चे माल के रूप में मिलाया जाता है। दूसरा, किसी भी लोहा मिश्रातु, मतलब लोहे के अंदर मिश्रित अवस्था के अंदर मैग्नीज का निर्माण करके, और विनिर्माण, कोई भी लोहे का जो भी वस्तु होती है उसको बनाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है मैग्नीज का। अब देखिए, मैग्नीज जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? देखिए, मैग्नीज के निक्षेप आपको भूगर्भिक संरचनाओं में सर्वाधिक मिलेगा। ठीक है, मैग्नीज के निक्षेप भूगर्भिक संरचनाओं में मिलता है। इसकी उपस्थिति भूगर्भिक संरचना, मतलब जमीन के नीचे आपको यह मिलेगा। मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की जो सैल होती है, चट्टान होती है, उसमें आपको यह मैग्नीज मिलेगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, मुख्यतः यह मैग्नीज धारवाड़ क्रम की सैलो, सैलो का मतलब होता है चट्टान, में मिलता है। क्लियर। और देखिए मैग्नीज की विशेषता, देखिए मैग्नीज का अग्रणीय उत्पादक अगर राज्य की बात करें, अब भारत की बात चल रही है, उड़ीसा लिख लीजिए, उड़ीसा भारत का अग्रणीय उत्पादक राज्य है उत्पादन की श्रेणी में मैग्नीज में। लिख देता हूं मैं, मैग्नीज के अंतर्गत अग्रणीय उत्पादक
राज्य उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा ये प्रथम स्थान पर आता है अग्रणीय उत्पादक राज्य की श्रेणी के अंतर्गत। फिर देखिए, अब फिर ये तो चलो उड़ीसा हो गया, अब इसके बाद में एक एक राज्य के बारे में बताएंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन राज्यों के नाम लिखूंगा और उसके अंदर उस राज्य के अंदर वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नीज के उत्पादन के अंदर सबसे प्रथम स्थान पर उड़ीसा आता है, तो मैं सबसे पहले उड़ीसा की बात कर लेता हूं कि उड़ीसा के अंदर वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर मैग्नीज की खदानें मौजूद है, ठीक है। जैसे कि अब मैं बात करूं उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा में प्रमुख खदानें, ठीक है, मैग्नीज की, तो प्रमुख खदान कौन कौन सी है, किन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, एक तो बोनाई, बोनाई, ठीक है, ये जिला है जहां पर मैग्नीज उत्पादित होता है। इसके अलावा केंदुझर, केंदुझर, ठीक है, जहां पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, ठीक है। एक जिले का नाम है गंगपुर, गंगपुर, और भी है जैसे कि कोरापुट है, कालाहांडी है और बोलंगिरी, ठीक है, कोरापुट, कालाहांडी, ठीक है, और एक जिला है कौन सा, बोलंगिर, बोलनगिर, ये वो क्षेत्र है जहां पर, जो कि उड़ीसा में है, जहां पर मैग्नीज का उत्पादन होता है, मैग्नीज निकाला जाता है, ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए उड़ीसा के बाद में अब अगला राज्य है वो है कर्नाटक, कर्नाटक का टॉपिक डालेंगे अपन, कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक के अंदर वो कौन से जिले हैं जिसके अंदर आपके मैग्नीज निकाला जाता है, तो मैं लिखूंगा यहां पर कर्नाटक की प्रमुख खदानें। अब उन खदानों की बात करते हैं जो कि जिस जिले में है उनके नाम लिखेंगे। एक तो आपका देखिए कर्नाटक के अंदर मुख्य खदानें जैसे कि धारवाड़ में है, बेल्लारी है, बेलगावी, ठीक है, ये जिले हैं, देख लिख लीजिए इसके बारे में। एक तो धारवाड़, ठीक है, बेल्लारी, ठीक है, जहां पर मैग्नीज निकाला जाता है। इसके अलावा बेलगावी, ठीक है, और कौन से जिले, सुनिए, उत्तरी कनारा, और इसके अलावा चिकमगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु, ये ऐसे जिले हैं जहां पर आपका मैग्नीज उत्पादित किया जाता है, ठीक है, लिख लीजिए उत्तरी कनारा, ठीक है, और कौन सा बताया मैंने, चिकमगलूर, चिकमगलूर, ठीक है, और मैंने बताया आपको क्या नाम बताया, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, और एक है चित्रदुर्ग, और एक जिला और है उसका नाम है तुमकुरु, ठीक है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर, जो कि कर्नाटक में है और यहां पर आपके मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आपके कर्नाटक की। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर वो कौन कौन से जिले हैं या प्रमुख खदानें मान लीजिए, तो लिखेंगे अपन महाराष्ट्र की प्रमुख खदानें। अब देखिए प्रमुख खदानें कौन कौन सी है, देखिए महाराष्ट्र के अंदर प्रमुख खदानें जैसे कि नागपुर, चलिए नागपुर में आपको खदान मिलेगी, भंडारा है जहां पर आपको खदानें मिलेगी, और इसके अलावा रत्नागिरी, ठीक है, ये तीन ही जो जिले हैं जहां पर आपको मैग्नीज के भंडार मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख खदानें। अब देखिए मध्य प्रदेश के अंदर वो कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर मैग्नीज निकलता है, जैसे कि बालाघाट,
छिंदवाड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है। और सुनिए, निम्बाड़ है, मांडला है, निम्बाड़, मांडला, ठीक है। थोड़े अटपटे नाम है लेकिन याद आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और है झाबुआ, ठीक है, झाबुआ। ये ऐसे जिले हैं जहां पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। अब इसके अलावा भी कई राज्य हैं जहां पर मैग्नीज का उत्पादन होता है, जैसे कि तेलंगाना है, गोवा है, झारखंड है। अब देखिए, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये तो आपके मुख्य खनिज, सॉरी, जिसमें मैग्नीज, मुख्य मैग्नीज उत्पादक राज्य कहेंगे हम, मुख्य लग रहा है यहां पर, लेकिन कुछ गौण भी है। गौण का मतलब होता है थोड़ा कम उत्पादन, उत्पादन होता है लेकिन थोड़ा कम। तेलंगाना, गोवा, झारखंड को गौण उत्पादक राज्यों के अंदर रखा गया। मैं लिख देता हूं यहां पे, तेलंगाना, गोवा, झारखंड गौण उत्पादक राज्य, ठीक है। गौण उत्पादक राज्यों की श्रेणी के अंदर तेलंगाना, गोवा, झारखंड को रखा गया है, मतलब इनकी तुलना में थोड़ा कम उत्पादन होता है, इसलिए इसको गौण उत्पादन में रखा गया है। और यहां पर उत्पादन ज्यादा है, इसलिए इसको मुख्य मैग्नीज उत्पादक राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।